हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो आज का हमारा लेक्चर इज़ ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इस वीडियो में हम एयर पोल्यूशन को डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइस एंड रेडियो एक्टिव रेडिएशन इन द एटमोसफेयर in such concentration that may be directly or indirectly injurious to humans or other living organisms property or interferes with the normal environmental processes. So this is a very elaborate definition of air pollution. उसके बाद हम बात करते हैं types of pollutants की। दो तरह के pollutants होते हैं, primary और secondary, right? Primary कौन से होते हैं? They are emitted directly into the air from the sources at the earth's surface, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज जो डायरेक्टली एमिट होती हैं, जैसे यू हैव CO2, यू हैव कार्बन मोनोक्साइड, यू हैव सल्फर डाइऑक्साइड, यू हैव नाइट्रिक ऑक्साइड्स, ठीक है। सेकेंडरी क्या है? अब ये गैसेज इफ़ दे रिएक्ट केमिकली इन द एटमोसफेयर टू फॉर्म अदर कंपाउंड्स विच आर ऑल्सो पोल्यूटिंग, सो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। वन ऑफ द मेन रीजन्स, वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल्स इज फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट एयर पोल्यूशन एंड टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मेजर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, उनके सोर्सेस और उनके इफेक्ट्स, इसको थोड़ा डिटेल में करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। पहले हम करेंगे कार्बन मोनोक्साइड। सी, कार्बन मोनोक्साइड इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस, हाईली टॉक्सिक, स्लाइटली लेस देन एयर, एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट ओनली स्टेज फॉर अ फ्यू मंथ्स इन द एटमोसफेयर, राइट। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वेरियस अदर फ्यूल्स, राइट। देन आयरन स्मेल्टिंग ऑल्सो प्रोड्यूसेज इट, एंड इट फॉर्म्स वेन देर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द वेरियस फ्यूल्स। जब जो ऑक्सीजन चाहिए होती है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो नहीं मिलती ड्यूरिंग द कंबशन, सो दैट रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल प्रोड्यूसिंग कार्बन मोनोक्साइड। और अगर ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनोक्साइड बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इज नेचुरल इन ओरिजिन ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द इन द ट्रोपोस्फेयर पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर, ठीक है। उसके बाद नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास वॉल्केनोस, फॉरेस्ट फायर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंबशन भी आता है। अब इसके हेल्थ इफेक्ट्स देखते हैं। इट लीड्स टू कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है? बेसिकली हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारी बॉडी में ब्लड में मिलता है, विच कैरीज ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स टू द डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़, ये कार्बन मोनोक्साइड क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है ताकि उसके साथ ऑक्सीजन ना बाइंड कर पाए, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। सो वी विल से दैट इट इज़ टॉक्सिक टू हीमोग्लोबिक एनिमल्स जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है व्हेन एनकाउंटर्ड इन कॉन्सेंट्रेशंस अबव 35 ppm। सी, नॉर्मल एनिमल मेटाबॉलिज्म में लो क्वांटिटीज में ये प्रोड्यूस होता है। टॉक्सिक कब होता है? जब ये 35 ppm से ज्यादा होगा, राइट। सो इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू प्रोड्यूस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? यूसर्प्स द स्पेस इन ऑक्सीजन। यूसर्प मतलब जो हीमोग्लोबिन में स्पेस था फॉर ऑक्सीजन, उसको ले लेता है, एंड इट एक्चुअली लीड्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द सेल्स एंड टिश्यूज विच माइट प्रूव टू बी फेटल। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है? इट एक्चुअली इज़ वेरी मच शॉर्ट लिव्ड एंड हैज़ अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन और ट्रोफोस्फेरिक ओजोन। आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पढ़ोगे कि ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करती है। बट अगर वही ओजोन ट्रोफोस्फेयर में हो, सो इट इज़ एक्चुअली टॉक्सिक, इट इज़ एक्चुअली अ पल्यूटेंट, ठीक है। सो दिस इज इट एक्चुअली हैज़ अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ दैट। देन कार्बन जो कार्बन मोनोक्साइड है, दिस इज़ द रिएक्शन जो उन्होंने बताया है कि कैसे वो ओजोन को देता है, ठीक है। कैसे कार्बन मोनोक्साइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, सो जस्ट रीड दिस इन द PPT, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, वाइटल टू लाइफ ऑन अर्थ, हैवियर देन एयर,
natural sources hain, volcanoes, hot springs, geysers, and it is freed from carbonate rocks by dissolution in water and acids. So carbonate rocks bhi isko release karte rehte hain. So carbon dioxide is soluble in water. It occurs naturally in groundwater, river, lakes, oceans, jitni bhi water bodies hain, usme carbon dioxide is present. So effects kya hain health pe? Ye bahut important hai ki asphyxiant hai, it leads to asphyxia. It is a condition arising when the body is deprived of oxygen, causing unconsciousness or death. Concentration of 7% may cause suffocation even in the presence of sufficient oxygen, manifesting as dizziness, headache and unconsciousness. Right? Environment mein humne padhai hogi, carbon dioxide is a very important greenhouse gas which contributes to global warming, and it is also released due to the burning of carbon-based fuels since the industrial revolution, aur iska jo amount hai wo constantly increase hua hai atmosphere mein, which has led to global warming, which is contributing to the melting of water bodies, glaciers, theek hai, jiski wajah se sea level is rising. So all those effects which are caused due to the greenhouse effect, right? And it is also a major cause of ocean acidification because it dissolves in water to form carbonic acid. So iske do major effects hai environment pe, that it is a greenhouse gas contributing to global warming and that it leads to oceanic acidification, right? Next hai hamare paas CFCs. So CFCs refrigerators, air conditioners or aerosol sprays se hame milte the. Since the late 1970s, the use of CFCs has been heavily regulated because of their destructive effects on the ozone layer. ठीक है? So ozone depletion पे हम ozone hole पे special lecture होगा हमारा जो third unit में है climate change वगैरह में. So we will discuss about acidification of ocean, ozone depletion there. Then we have a Montreal Protocol. ये भी हम अलग से discuss करेंगे कि Montreal Protocol is basically जिसके under हमने CFCs को ban कर दिया है. So that is a protocol to Vienna Convention and all the Kigali Agreement. Everything will be covered in the later lectures. Okay, next is ozone. Ozone भी हमने किया है कि naturally stratosphere में occur करती है और वहाँ पे वो beneficial है क्योंकि वो harmful UV rays को absorb करती है, right? But ground level पे, that is troposphere में ये pollutant है, greenhouse gas है with highly toxic effects. Produce कौन करता है? Vehicles and industries, right? They produce ground level ozone emissions. अब कार्बन मोनोक्साइड हमने देखा था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे प्ले अ मेजर रोल इन कन्वर्टिंग ऑक्सीजन टू ओजोन. इट मेक्स आईज इची, वॉटरी, लोअर्स आर रेजिस्टेंट टू कोल्ड एंड निमोनिया. सो दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट्स. उसके बाद प्लांट्स में भी इसके डेलिटेरियस इफेक्ट्स हैं. दो चीज़ें हैं, इट actually inhibits the CO2 acquisition by the plant. ठीक है, अब plants को हमने देखा है, plants क्या करते हैं, CO2 को inhale via the stomata, they take the CO2 and release oxygen. So this is via the process of photosynthesis, they convert CO2 to oxygen. This we have done. अब क्या करते हैं, ये inhibit करते हैं CO2 acquisition and they actually interfere with the protective role of stomatal closure during periods of water stress. तो अगर आप इतनी इसको detail में ना जाते हुए सिर्फ इतना करें कि interfere करते हैं CO2 की acquisitions के साथ, ठीक है, when water supplies are adequate, और जो stomatal closure है उसके साथ भी इंटरफेयर करते हैं अगर वाटर स्ट्रेस हो जाए. ठीक है, सो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अक्वायर करने में और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में इनहिबिटिव इफेक्ट है ओजोन का फॉर प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो जितने भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, NOx इज अ टर्म यूज फॉर देम, राइट? So they are produced in the internal combustion of engines, internal combustion engines and coal burning in the power plants. ठीक है, naturally भी हमने किया था कि lightning से nitrogen fixation होती है, so that is how it is produced. अब ये है oxygen और nitrogen ना ambient जो normal temperature है उस पर नहीं react करते, they act at high temperatures and they produce various oxides of nitrogen. ये तब होते हैं या तो आपके पास internal combustion engine है या power station boiler है या फिर if you have high temperatures due to lightning and thunderstorms, right? उसके बाद एग्रीकल्चर में हमने किया था कि फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है. देन वी हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सो दिस ऑल वी हैव डन, राइट? उसके बाद हमारे पास ये भी है कि एक जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, ये ग्रीन हाउस गैस है. ठीक है, दैट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग.
इफेक्ट्स क्या हैं? एस्थमेटिक कंडीशंस को एग्रोवेट करते हैं, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए दे आर हार्मफुल स्पेशली इन चिल्ड्रेन, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है, दे एक्चुअली रिएक्ट टू फॉर्म स्मॉग एंड एसिड रेन एज वेल एज दे आर सेंट्रल टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोफोस्फेरिक ओजोन. When NOx and volatile organic compounds react in the presence of sunlight, they form photochemical smog. This is very important. Photochemical smog is one of the very important topics. Mononitrogen oxides eventually form nitric acid when dissolved in atmospheric moisture, jisse ki acid rain banti hai. Theek hai? Then they also cause global cooling, theek hai, countering the effect of greenhouse gases. But again, as we have done, N2O is a greenhouse gas. So, uske baad plants mein kya karte hain? Plants mein growth separation cause karte hain, green color, that is total chlorophyll content and distortion of leaves in plants. So, plants mein bhi inka detrimental effects hai. Aur jo plants mein flowers hote hain, unki stalk bhi weaken ho jati hai, to premature shedding ho jati hai flowers ki, theek hai. So, they have a deleterious effects on the plants as well. Right, uske baad we have sulfur dioxide. Sulfur dioxide is a toxic gas with pungent irritating smell, contributes to acid rain, photosynthesis ko inhibit karta hai ye plants mein. This is very important. Volcanic activity se release hota hai. And it is also used for sulfuric acid manufacture. तो ठीक है, उसमें भी हमारे पास होता है. उसके बाद problems क्या है? Difficulty in breathing, respiratory problems, premature death. ये important है कि nerves के लिए ये harmful होता है sulfur dioxide. ठीक है, then it is also produced by burning coal in thermal plants and diesel fuels. Right, different processes में ये produce होता है, paper ये production में produce होता है, smelting of metals में produce होता है. So this is about SO2. Then we have volatile organic compounds. These are carbon based chemicals that easily evaporate at room temperature. तभी इन्हें volatile कहा जाता है. For example, you have formaldehyde. Formaldehyde irritation to eyes, nose and allergies, health effects इसके ये हैं. अब इंडोर सोर्सेज क्या है? परफ्यूम्स, हेयर स्प्रेस, फर्नीचर पॉलिश, ग्लूज, एयर फ्रेशनर्स एट्सेट्रा इसके सोर्सेज हैं. सो इट कॉजेज बेसिकली इरिटेशन, ठीक है, ऑल दैट. लॉन्ग टर्म में हमारे पास ये भी है, डैमेज टू लिवर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. सो अब जितने भी हम ये कवर करेंगे ना, तो इसमें द बेस्ट थिंग इज दैट यू एक्चुअली रिवाइज द PPT ओवर एंड ओवर अगेन, ताकि आपको आइडिया हो जाए. एंड शंकर IAS का वी हैव चैप्टर 5, ठीक है, उसमें वी हैव टेबल गिवन, जिसमें कि आपको बताया हुआ है किस पोल्यूटेंट का क्या हेल्थ इफेक्ट है, क्या इन्वायरमेंटल इफेक्ट है. सो डू स्टडी फ्रॉम देयर, ठीक है. सो एक बार पढ़ने से आपको सिर्फ आइडिया होगा, बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती हैं. फिर उसके बाद फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ बेसिकली इजेक्टेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स एज बायो प्रोडक्ट्स ऑफ कोल बर्निंग ऑपरेशन, ठीक है. कोल बर्निंग के दौरान बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होता है फ्लाई ऐश. इट पल्यूट्स एयर, इट पल्यूट्स वाटर, मे कॉज हैवी मेटल पल्यूशन इन वाटर बॉडीज, ठीक है, पोल्यूशन कॉज करता है. उसके बाद वेजिटेशन को भी इफेक्ट करता है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डायरेक्ट डिपोजिशन ऑफ लीव सर्फेसिस, ठीक है. जो लीव सर्फेसिस है ना, लीव्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, उससे क्या होगा, क्लोरोफिल ब्लॉक हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो वेजिटेशन को इफेक्ट कर रहा है. उसके बाद इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट करता है वेजिटेशन को, बिकॉज ऑफ इट्स डिपोजिशन ऑन द सॉइल, ठीक है. ओके, सो इट इन द एयर स्लोली सेटल्स ऑन लीव्स एंड क्रॉप्स इन एंड इन एरियाज नियर, जहाँ भी थर्मल फ्लावर प्लांट होगा वहाँ पे आप देखोगे कि लीव्स में, क्रॉप्स में फ्लाई ऐश होता ही होता है, और वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो कम होगी, जो भी वहाँ पे प्लांट ईल्ड है वो कम होनी ही होनी है, राइट. फ्लाई ऐश अब आजकल उसका यूज़ कैसे हो रहा है, फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड एज अ लैंड फिल, राइट. नाउ कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है. इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स विच आर ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, एल्यूमिना, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड इवन टॉक्सिक हैवी मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट एंड कॉपर. बट सिलिका एंड एल्यूमिना के ऑक्साइड्स मेनली होते हैं, ठीक है. मेजर ऑक्साइड्स प्रेजेंट आर दैट ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट इन लार्ज अमाउंट, सिलिकन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये मेजर है इसके, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए. उसके बाद एडवांटेजेस क्या है इसकी, सी अब क्या है, सीमेंट है जो, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो बाय फ्लाई ऐश बाय अप टू 35%. उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह कम होगी. फ्लाई ऐश ब्रिक्स, जैसे हमने किया था, ब्रिक्स में यूज हो रहा है. दे आर लाइट इन वेट एंड दे ऑफर हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. इट इज़ अ बेटर फिल मटीरियल फॉर रोड एम्बैकमेंट्स एंड इन कॉन्क्रीट रोड्स.
it can be used in reclamation of wastelands as well. ठीक है, abandoned mines को आप fill कर सकते हो fly ash से, जैसे कि हमने किया, they can be used for landfills. And then they can also increase the crop yield because it enhances the water holding capacity of the land. But ये थोड़ा questionable है. Then जो government है वो क्या measure कर रही है? That has made it mandatory to use fly ash based products in all construction projects, road embankment works, low lying land filling works within 100 kilometers radius of thermal power station and mine filling activities within 50 kilometers radius of thermal power station. We have a fly ash utilization policy. Just go, please go and read it from the book in detail. Very important. And the Maharashtra state hai, they have actually approved the state thermal power plant ash utilization policy, and it has become the first state to adopt this policy, right? Which will actually, उसके आपने advantages देख ही लिए हैं कि it will actually help to curb transport of fly ash produced in the coal blast, coal based thermal plants and stipulates measures to utilize this coal waste at the source. So this is very important. Do read about this in detail. Fly ash utilization policy, very important. उसके बाद smog. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपने देखा ही है. स्मॉग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है, कौन से? स्मोक प्लस फॉग, ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्मॉग, राइट. उसके बाद दो तरह का स्मॉग होता है, एक है लंदन टाइप ऑफ स्मॉग और एक है लॉस एंजलिस टाइप ऑफ स्मॉग, ठीक है. अगर हम लंदन टाइप को डिटेल में करें, जो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कोल से. इट लीड्स टू द एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड डस्ट. तो जब ये पोल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं फॉग के साथ, सो ड्रॉपलेट्स ऑफ हाईली करोसिव सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड इन द एयर एंड इट अकर्स एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है. अब हमने देखा ही है लंदन हैज लो टेम्परेचर, तो अगर लंदन में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि लंदन टाइप ऑफ स्मॉग, राइट. बेसिकली क्या था, लंदन के अराउंड वी हैड अ लॉट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, तो वहाँ पे कोल बर्न होता था. सो जब कोल बर्न होता है तो वी हैव दिस काइंड ऑफ फॉग बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दैट कंबाइंस विद फॉग, सो वी हैव लंदन टाइप ऑफ स्मॉग. सिमिलरली जो लॉस एंजलिस है, ये लॉस एंजलिस में ज़्यादा इसका एग्जाम्पल दिखता है क्योंकि इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन सनी डेज एंड द रिजल्ट ऑफ इमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स और ट्रैफिक, ठीक है. तो कंपेयर करना हो अगर दोनों को, तो वो ठंड में होता है, ये सनी डेज में होता है, एंड दैट इज़ ड्यू टू कोल, दिस इज़ ड्यू टू व्हीकुलर ट्रैफिक. और ये जो लॉस एंजलिस है, इसको फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहा जाता है. अब व्हीकल में हमने देखा है ज़्यादा नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि कोल बर्निंग से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये कार एग्जॉस्ट से रिलीज होता है अलोंग विद द हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस्ड अगेन फ्रॉम द कार एग्जॉस्ट. ये रिएक्ट करने के लिए इनको सनलाइट चाहिए होता है टू फॉर्म अ ऑब्नॉक्शियस मिक्सचर ऑफ एरोसोल्स एंड गैसेस, ठीक है. तो क्या क्या बनता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हमने किया था NOx से, ये बनता है फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड आर द हाइड्रोकार्बन्स और VOCs, केटोन्स एंड परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. सो दिस कॉम्पोजिशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद होनी चाहिए. तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. लंदन कहाँ बन, लंदन में ठंड होती है तो वो ठंडे जगहों पे बनेगा, है ना. और उसके बाद लंदन में इन एंड अराउंड वी हैड थर्मल पावर प्लांट्स, तो कोल की बर्निंग से SO2 प्रोड्यूस होता है. उसके अगेंस्ट लॉस एंजलिस सनी डेज, सन की प्रेजेंस में व्हीकल्स बहुत है वहाँ पे, व्हीकल से जो नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, दे कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसकी कॉम्पोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो नॉर्मल ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेवल्स आर लेस देन दिस, बट ओजोन लेवल्स कैन बी हाई एज 12 PPM इन दीज स्मॉग्स. द सब्सटेंस इन दीज स्मॉग्स इज वेरी इरिटेटिंग टू द आईज एंड कैन डैमेज रेस्पिरेटरी सिस्टम अलॉन्ग विद इफेक्टिंग वेजिटेशन, राइट. वो हमने किया ही है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, राइट. एंड दिस इज वेरी कॉमन नाउ इन लार्ज सिटीज लाइक वी हैव सीन इन दिल्ली ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम देखें गवर्नमेंट क्या कर रही है इंडिया की, सो वी हैव नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. अब ये क्या स्टैंडर्ड्स है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी को बताने के लिए कि जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है. सो इट इज़ एक्चुअली बाय CPCB, इट इज़ एप्लीकेबल नेशन वाइड. एंड ये CPCB को किस एक्ट के अंडर ये पार मिली है, अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981. तो ये प्री में आपसे पूछा जा सकता है.
अगर आप इसका देखें, इफ़ यू गूगल दिस ऐप इन डिटेल, तो आप देखोगे हर एक पल्यूटेंट का क्या लेवल होना चाहिए एक्चुअल में और क्या है, वो हमें ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, दैट इज़ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, राइट? इट वॉज लॉन्च्ड बाय एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री इन अप्रैल 2015. वेरी इंपॉर्टेंट, इज दिस इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत अभियान? येस, दिस इनिशिएटिव इज अंडर स्वच्छ भारत अभियान, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये है क्या, इट हेल्प्स द कॉमन मैन टू जज द एयर क्वालिटी विद इन इट्स विसिनिटी. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ गवर्नमेंट्स मिशन टू इम्प्रूव द कल्चर ऑफ क्लेनिनेस. ओल्ड वर्सेज न्यू है, जो अर्लियर था है ना उसमें सिर्फ 3 इंडिकेटर्स थे, इट हैज़ बीन मेड, जो नया है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है, ठीक है? प्रीवियसली हु मेजर्ड है ना, CPCB था, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स थे, देवर ऑपरेटिंग NAP, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम. सो वाई वॉज इट नेसेसरी, हमने देखा ही है कि काफ़ी ज़्यादा जो पॉल्यूशन था दैट वॉज राइजिंग एंड द क्वालिटी ऑफ डेटा वॉज वेरी पुअर, ठीक है? सो वी हैड टू हैव इट, राइट? एंड पोल्यूशन रिलेटेड एनालिसिस में हेल्प करेगा ये. कैटेगरीज क्या है, 6 कैटेगरीज हैं, गुड, सैटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सिवियर. वी हैव 6 कैटेगरीज एंड देयर आर 8 पोल्यूटेंट्स, ठीक है? PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, CO2 नहीं है. CO2 पोल्यूटेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है? इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पोल्यूशन, ठीक है? उसके बाद ओजोन, अमोनिया एंड लेड, ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद होने चाहिए कि कौन से 8 पोल्यूटेंट्स आते हैं नाकी में, राइट? और ये स्वच्छ भारत के अंडर है. नेक्स्ट इज कैटेगराइजेशन ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज. अब अगेन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसको कलर कोडिंग कर दी है उनके पोल्यूशन पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर, ठीक है? अब इस कैटेगराइजेशन के लिए दे हैव डेवलप्ड पोल्यूशन इंडेक्स, ठीक है? पोल्यूशन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री. जब भी आप इस तरह का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, डू रिमेंबर कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये, ठीक है? और ये कैटेगराइजेशन किस पे बेस्ड है, पोल्यूशन इंडेक्स पे. अब पोल्यूशन इंडेक्स 4 चीज़ों को ध्यान में रखेगा, ठीक है? वो 4 चीज़ें कौन सी हैं, पहली है इमिशंस, एयर में कौन सी इमिशंस हो रही हैं, ठीक है? वो जो इंडस्ट्री है वो एयर में कौन सी इमिशंस प्रोड्यूस कर रही है. दूसरा है एफ्लुएंट्स, वाटर में कौन से एफ्लुएंट्स रिलीज कर रही है, ठीक है? हजार्डस वेस्ट कितना जनरेट कर रही है और कितने रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है, इसके बेसिस पे पोल्यूशन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड, ठीक है? और इसकी रेंज क्या है, 15 to 60. एग्जाम्पल देखो, रेड का मतलब है हैवीली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, दैट इज 60 एंड अबव. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, पेट्रोकेमिकल, फार्मा, शुगर, पेपर एट्सेट्रा. नेक्स्ट कैटेगरी है ऑरेंज, ऑरेंज इज 30 to 59, मतलब इतना नहीं प्रोड्यूस कर रही बट हाँ पोल्यूटिंग है. नेक्स्ट इज ग्रीन, ग्रीन इज 15 to 29. एंड लास्ट वी हैव वाइट, वाइट मतलब नॉन पोल्यूटिंग, दैट इज बिलो 15. तो ये वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, दिस इज, दीज आर नॉन पोल्यूटिंग. तो एटलीस्ट आपको रेड और वाइट की एग्जाम्पल्स आप 2-3 बार पढ़ लें ताकि दिमाग में बैठ जाएं, और ये पता होना चाहिए पोल्यूशन इंडेक्स में 4 कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है? सो दिस इज अबाउट पोल्यूशन इंडेक्स एंड द कैटेगराइजेशन. द सिस्टम ऑफ एनुअल रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेशन विल ऑल्सो बी स्क्रैप्ड विद दिस, ठीक है? और उसके बाद जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है, दैट हैज सजेस्टेड 5 years रिन्यूअल फॉर रेड कैटेगरीज, 10 years फॉर ऑरेंज, 1 time सर्टिफिकेशन फॉर ग्रीन और वाइट, दे डू नॉट रिक्वायर एनी ग्रीन क्लियरेंस. बेनिफिट्स क्या है, है ना, आपको पता चल जाएगा. जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, यू विल कीप दैम अंडर ग्रेटर स्क्रूटनी. जो लो पोल्यूटिंग है, दे विल बी सेव फ्रॉम अननेसेसरी हैसल्स, कि उनको पीरियोडिक रिन्यूअल्स कराने, तो एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प कर रहा है. बेटर साइट सिलेक्शन फॉर न्यू रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में उनको अलाउ नहीं किया जाएगा. एंड इट विल ऑल्सो इनेबल ईजियर फाइनेंसिंग फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्रीज. सो दिस इज अबाउट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज समर. समर क्या है, समर इज IMD हैज लॉन्च्ड सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च. इट विल हेल्प द कंट्री इन स्टडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लैक कार्बन इन द एटमोसफेयर ड्यू टू पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट. अब जो ब्लैक कार्बन है, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एरोसोल. एरोसोल्स आप जोग्राफी में पढ़ते हैं कि मॉनसूनस में इनहिबिट करते हैं. एयर में बेसिकली सस्पेंडेड पार्टिकल्स को एरोसोल्स कहा जाता है. इवन आपके जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो हमने अभी पीछे नाकी में PM2.5 है ना, ये सब पढ़ते हैं, PM10, ये बेसिकली
एरोसोल्स ही है. उसी तरह से ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ एरोसोल्स. ठीक है, सो ये क्या है ब्लैक कार्बन? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई अब्जॉर्प्शन करेक्टरिस्टिक. ठीक है, सो इट एग्जर्टिंग इट्स ओन रेडिएटिव इम्पैक्ट, इट कैन सब्सटैंशली कंटेमिनेट अदर एरोसोल स्पीशीज, देयर बाय ऑल्टरिंग द 24 रेडिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटायर एरोसोल सिस्टम एंड इन फैक्ट देयर अबिलिटी टू एक्ट एज क्लाउड कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियर. ब्लैक कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अपना रेडिएटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरी एरोसोल्स हैं उनको भी कॉन्टेमिनेट कर सकता है, उनका भी जो रेडिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्हांस कर देता है. राइट, सो दिस इज वाई. और ये प्रोड्यूस कौन कौन करता है? वही फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ डीजल, कोल, इंडोर बर्निंग ऑफ बायोमास एट्सेट्रा, दे प्रोड्यूस दीज ब्लैक कार्बन. और ब्लैक कार्बन के लिए IMD ने डेवलप किया है समर, सो डू रीड अबाउट इट ऑल्सो इन डिटेल. ठीक है, आपको आइडिया तो हो ही गया. इट वॉर्म्स द एटमोसफेयर ड्यू टू इट्स अब्जॉर्प्शन एंड बाई रिड्यूसिंग एल्बिडो वेन डिपॉजिटिंग डिपॉजिटेड ऑन स्नो एंड आइस. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे वार्म करता है एटमोसफेयर को. राइट, नेक्स्ट है हमारे पास सफ़र. सफ़र इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च. ये जब 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ था दिल्ली में, तब इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. फिर क्या हुआ था, अभी 2015 में सफ़र ऐप लॉन्च हुई थी अगेन बाय द सेम मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड करंट डेटा एंड फोरकास्ट फॉर एयर क्वालिटी इन द यूजर्स करंट लोकेशन थ्रू अ कलर कोडेड सिस्टम. राइट, सो इट वॉज एन ऐप फॉर द एयर क्वालिटी ओनली. उसके बाद हवा बदलो ऐप है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय EPCA टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड NCR. ठीक है, इट एक्चुअली लेट्स पीपल रिपोर्ट इंसिडेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन टू द गवर्नमेंट. जैसे कहीं पे गार्बेज बर्निंग हो रही है, डस्ट हैज़ बीन जनरेटेड बाय द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, तो जो कंप्लेनेंट है वो गवर्नमेंट को बता सकता है. सो ईच कंप्लेंट विल बी जियो रेफरेंस्ड एंड विल प्रोवाइड द टाइम एंड लोकेशन वेयर द एविडेंस ऑफ वायलेशन हैज़ बीन कलेक्टेड एंड सबमिटेड. इससे क्या होगा, रेजिडेंट्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. राइट, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऐप है, राजस्थान गवर्नमेंट ने राजवायु ऐप करी है, वो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर. सो इट इज़ रिगार्डिंग दिस. उसी तरह से इंडस्ट्रियल एरियाज में वी हैव एन ऐप ऑफ नेम्ड दृष्टि. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द सफर इंडिया ऐप. ठीक है, सो ये कुछ ऐप्स हैं जो कि हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट्स. उसके बाद भारत स्टेज नॉर्म्स. भारत स्टेज नॉर्म्स इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, they have been introduced in 20,000 emission standards hain, have been set by the central government to regulate the output of air pollutants from internal combustion engine equipment including motor vehicles. ki jo aapke vehicles hain wo kitna pollutant release kar sakte hain, theek hai, uske standards hain and they have been set introduced in 20,000. theek hai, different norms are brought into force in accordance with the timeline and standards set up by CPCB which comes under the MOEFCC. they are based on euro norms or european regulations. euro norms they define the maximum limit of pollutant that a vehicle can emit. theek hai, kitna wo CO2 nitrogen oxide sulfur and suspended particulate matter release kar sakta hai. If a vehicle emits more than this limit, then it cannot be sold in Europe. Similarly, we have Bharat Stage norms on similar basis. In India, we follow Euro norms under the label Bharat Stage norms and we are gradually implementing them in more and more cities. इन्फोर्समेंट कैसे है, अक्टूबर 2010 तक BS3 नॉर्म्स हैव बीन इन्फोर्स्ड अक्रॉस द कंट्री. अभी BS4 चल रहे हैं. इन 13 मेजर सिटीज BS4 एमिशन नॉर्म्स हैव बीन इन प्लेस सिंस अप्रैल 2010. 2016 में गवर्नमेंट ने बोला कि कंट्री वुड स्किप यूरो 5 एंड सीधा ही हम यूरो 6 अडॉप्ट करेंगे बाय 2020. फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज इज सेट अ डेडलाइन ऑफ 2017 बाय विच टाइम ऑल द व्हीकल्स इन द कंट्री मस्ट बी BS4 कंप्लायंट एंड 2020 फॉर द रोल आउट ऑफ BS6. बट अभी फिर से रिवाइज कर दिया है इसको, कि पहले था कि BS6 आएगा हमारे पास 2024 तक, बट अभी उसको फिर 2020 कर दिया था, है ना. बट अब जो डेडलाइन है वो 2018 है. ठीक है, सो द न्यूएस्ट डेडलाइन फॉर BS6 इज 2018, रिवाइज्ड फ्रॉम 2024 टू 2020 एंड नाउ वी हैव 2018. राइट,